सियासतदान लग रहे हैं सर, जिसको कभी टिकट नहीं मिली। लेकिन आप छोड़े इस बात को, आज तो प्यारी सी हसीना आयशा कितनी प्यारी है, क्या बात है। बंदा 6 साल बाद बीमारी तो ठीक हो, वो तो इंदे कपड़े का रंग। डिजाइनर वेयर उनका होगा, आपने पकड़ के पानी फेर दिया सारे पे, आप बताइए प्लीज। सेम ड्रेसिंग देख देख के तंग नहीं आ जाते कैसे सर, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ये डिफरेंट है माशाल्लाह, वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलर लग रहे हैं। बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं और न जाने कब से एमएनए बन रहे हैं, जनाब शेख रोहेल असकर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अनुशे रहमान। वेलकम टू द शो जी अनुशे जी, आप तशरीफ लाई हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और एक शेर मैं लाया हूं बड़ा प्यारा, अच्छा भाईजान के लिए। क्या बात इरशाद। MNA PMLN के शेख रोहेल असगर साहब, क्या बात, जाने माने सियासतदान हैं, नारेबाजी कम करते हैं, सारी दुनिया जानती है बातों के सच्चे, वादों के पक्के, सारी दुनिया मानती है। क्या बात जीना की ये मरना चली है, जीना की ये मरना चली है, चल हुण मिटिए घर नूं चलिए, ते सज्जन सामने आ गए ने, सज्जन सामने आ गए ने, यार तमूरा हरना चलिए। क्या बात जितने भी गम है सब हंस के सहूंगा, अच्छा क्या बात, दिल की जो बात है आज दिल से कहूंगा। सारी दुनिया की शादी हो रही है वासे, मुझे लगता है मैं क़यामत तक कुंवारा ही रहूंगा। क्या बात, इन्हें भी जब समझ आती है अक्रम उदास जी, हाँ जी जो है उदास जी, कैसे दी समझ नहीं आती है क्यों उदास। सारा जो 1.5 साल तो हो रहा है ना, नून लीग कर रही है उसकी वजह से। शेख साहब क्या हाल चाल है आपके, बताया नहीं कैसे? नहीं, वो तो अपना बताया, आपसे आपके जानना चाह रहे हैं। मेरा हाल ठीक है, ठीक ठाक है, मैं अपने हाल में मस्त रहने वाला आदमी। जबरदस्त। वैसे शेख साहब एक कोई बात है, अभी जिस तरह आपके इंट्रोडक्शन में कह रहे थे, फर्स्ट टाइम आप नेशनल असेंबली के मेंबर बने थे 1985 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर। तो सर ये 85 के अंदर यही असेंबली हॉल था? नहीं, उस वक्त जब शुरू आए थे हम लोग तो वो था स्टेट बैंक बिल्डिंग। अच्छा, उसके बाद ये कंप्लीट हुई थी, फिर इसके बाद इसमें ये जो बिल्डिंग है ये आपके सामने ही बनी है? मेरे सामने नहीं बनी, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। बन रही थी बट देन यू वर द फर्स्ट वन जो किस असेंबली में गए। वो पहली असेंबली थी जिसमें उन्होंने टेक ओवर किया असेंबली को। तो यानी कि आपको तो वहाँ पे हर दरो दीवार, हर कुर्सी का, हर किसी चीज की प्लेसमेंट अब तो याद हो चुकी होगी। इत्तेफाक है। Has it been like this, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आपको पेंटिंग है, ये पेंटिंग नहीं थी, अब चेंज हुई है। काफी फर्क पड़ जाता है, मतलब आउटर बिल्डिंग तो वही है, लेकिन इनसाइड जो इंटीरियर वो चेंज होता रहता है, चेंज होता रहा है। मगर वैसे एक तो पहले ये अभी आप आए थे अंदर तो मैं देख रहा था, आयशा अभी बड़ी महजूज हुई आपकी लुक देख के, ये जो लुक आपने क्रिएट की है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई, लोग ये कहते हैं कि लुक क्रिएट की, बड़ा अच्छा लगा, ये किया वो किया, खुद क्यों नहीं करते? सर वो इतनी अच्छी नहीं लगती ना जितनी आपको लग रही है। ये क्यों कहते हैं कि अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, इस आपकी इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होती आपकी? एग्जैक्टली। बल्कि सर एक गल पूछनी, मैं जदों तुम बरात लेके गए सो उदों भी यही ड्रेस पाया? नहीं यार, उधर तो मैं बिल्कुल वो की मुंडा कुंडा सा, मेरी तो बरात भी 20 साल 21 साल ही बड़ी जोर दी आई इसी मन। बाकी तो बैठे नहीं करता। नहीं, अब मैं आपको ये अर्ज कर दूं, मेरे तो पोते की शादी हो गई है।
क्योंकि इतफाक ऐसे मैं वासे को पहले भी बता गया था कि इनके बुजुर्गों को भी जानता हूँ, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बच्चा बिल्कुल नहीं है, अभी बच्चे ही बस खजाब लगाते हैं। नहीं आपका क्या ख्याल है मेरी कितनी उम्र होगी? सर आपकी होगी मेरे हिसाब से, मैं और ठाकुर एक जैसे होंगे बस। सर ये कलर आपने खुद चूज किया था, बड़ा प्यारा कलर है यार मुझे पहना हुआ। क्या इसका क्या चूज करना यार, मजे का कलर है। नहीं आपने खुद शॉपिंग की है, घर वालों ने ये खरीद कर लाए थे? उसको थोड़ा ज्यादा लगता है यार। अच्छा हाँ, उसके उसके बस में हो तो आग लगा दे सब। क्यों सर, क्या वो चाहती नहीं? अपनी उसकी अपनी मर्जी है। नहीं मगर क्या उनको पता है कि आप इसमें हसीन लग रहे होते हैं, तो इसलिए शायद वो आउट ऑफ। ये भी हो सकता है कि वो चाहती नहीं कि किसी को हसीन लगे। ये बात है, हर बीवी अपने आप को ये समझती है कि ये दुनिया का हसीन तरीन इंसान है और वो उसको बचाने की कोशिश करती है लेकिन बचता नहीं। मॉडल बना के बना बड़ी इनहमाक से आपकी बातें सुन रही है। कसूर की उन्होंने पूछो जी, दसो जी। हाँ मगर अनुषा पहली मुलाकात है शेख रोहेल असगर साहब से, पॉलिटिशियन से पहले कभी मिली है? अच्छा तो मुझे ये बताइए कि यू मस्ट हैव हैड इमेज ऑफ पॉलिटिशियंस, आप देखते रहती हैं सारे दिन टीवी पे होते हैं, कहीं ना कहीं नजर आते रहते हैं, ऐसी लुक इमेजिन की हुई थी आपने? खुल के बोले आप, फिक्र ना करें शेख साहब, बिल्कुल अपने आप बताएं। नहीं काफी कूल लुक है, ये कूल लुक है शेख साहब, देखें ये आजकल की जनरेशन काफी कम लोग जो है वो पुल ऑफ कर सकते हैं। ये देखें शेख साहब, पहला कॉम्प्लीमेंट था कूल लुक है, दूसरा ये कि इन पॉलिटिक्स ये आप कह सकती हैं कि मैं वाहिद आदमी हूँ जो इस ड्रेस में अपनी असेंबली में जाता हूँ। एग्जैक्टली, और आई डोंट फील एम्बैरस, आई डोंट फील गिल्टी, आई डोंट फील कॉम्प्लेक्स। जब आपने कुछ चीज करनी हो अपने लिए तो फिर आप उसमें एम्बैरस क्यों होते हैं? मैं पूरा यूरोप, अगर यूरोप कहीं गया हूँ, लंदन गया हूँ, तो मैं इसी ड्रेस में गया हूँ। वाह वाह वाह, सर ये आखिरी बार हमने देखा था मायूस सईद साहब ने पहनी थी इस किस्म की लुक लंदन नहीं जाऊंगा उसके अंदर, उसके बाद हमने आज देखी है ये कमाल, तबाह कर दी उन्होंने उस ड्रेस को। जोगर कौन पहनता है? अगर आपने कोई चीज करनी है, अगर आपने कोई चीज अपना रहे हैं तो फिर आप उसको उसी ओरिजिनलिटी में रियलिटी के अंदर पूरे करें, ओरिजिनल जो ओरिजिनल है उस पर करें। हाँ इसके नीचे आप चप्पल पहन सकते हैं, जॉगर्स का तो तुक नहीं। कूल बनने के चक्रों में दुल्हनें आजकल लहंगों के नीचे जॉगर्स पहन लेती हैं। मगर जो भी हो देखे अनुषे को तो कूल लगी है ये लोग, और आपके ख्याल से पुल ऑफ भी कर रहे हैं वो, तो ये आपको वो वाले पॉलिटिशियन तो नहीं लग रहे ना जो आप इमेजिन करती है? हाँ, ये एक पहली बात तो ये साहब गए ना लंदन से, पायलट नु भी एक धोती गिफ्ट कर गया है, इसका फायदा बड़ा जी। नहीं वो मैं नहीं दसूंगा। गल याद आ गई, कैसा अल्लाह जन्नत दे, लोग चले जाते हैं लेकिन यादें रह जाती। मेरा दोस्त था, मेरा भाइयों की तरह अमानुल्लाह, तो मैंने उसके लिए ये कहा था कि ये ऐसा शख्स है खुद दुखों में घिरा हुआ, अंदर आग लगी हुई है लेकिन आपको हंसा रहा है, ये बड़ा पन होता है। बिल्कुल उसके साथ बैठा हुआ था सखावत नाज जी, जी उसने मुझे कहा कि शेख साहब अगर आप पॉलिटिशियन होते क्या करते? मैं कहा यार तेरी जगह बह के मैं दुखता कर रहा हूँ और मैं की करना सी। तो ये जो चीज़ आप लोग करते हो ना अल्लाह मान, और मैं आज आती दफा वैसे एक और चीज़ देख रहा, मैं खुद अपनी फैमिली के साथ स्टेज ड्रामा देखने जाता था फैमिली के साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेज ड्रामा खत्म हो गया, तबाह हो गया। मैं देखता हूँ कि कैसर भी स्टेज करता है, उदास भी स्टेज करता है, ठाकुर साहब भी स्टेज करते हैं, लेकिन कितना मुश्किल है इनके लिए, वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ बैठ के बच्चों के सामने, ऑडियंस के सामने, पब्लिक ऑडियंस के सामने इतनी सुलझी हुई कॉमेडी करना बहुत मुश्किल काम। बताएं कैसे करते हैं? तो माहौल होता ना, जैसे यहाँ माहौल है, फिर अयूब खावर साहब हैं, आप हैं मसलन, आप सख्तियां भी करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए फनकार जो ना वो गलत नहीं होता, सिचुएशन
स्क्रिप्ट या कोई ऐसी चीज माहौल गलत होता है, फनकार से आप कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे अच्छा कर रहे हैं ना सब, हम उधर भी अच्छा कर सकते हैं। और लेकिन अब आप आए सर उधर भी तकरीबन अच्छा। आपने देखा एक चीज और नोट किया आपने, उर्दू कितनी अच्छी बोलते हैं। हाँ। जी सर, जब इस किस्म की बात हो तो हमेशा उर्दू ही बोलते हैं। वैसे मुझे बताएं रूसे वोट कास्ट करती हैं आप? जी जी करती हैं। और पिछली बार किया था? हाँ जी। और जिनको किया था क्या वो जीत गए थे? आपने बताना नहीं है कि किसको किया था, हम खुद ही पहुंचेंगे। ये हमारा बड़ा एक फेवरेट सेगमेंट होता है, कसौटी टाइप का, सियासी कसौटी है ये। तो क्या जिनको किया था वो जीत गए थे? नहीं नहीं जीते थे। अच्छा, वो जिनको आपने किया था क्या वो अब जीते हुए हैं? तो आप इतने घबरा के क्यों बोल रही हैं, खोल के बोले। जिनको आपने वोट दिया था आज वो गेस्ट भी हैं जी, नून लीग जी। ओए होए सर, आप लोगों का वोट निकला है ये तो। अच्छा, शुक्र है कि इस उम्र के लोग भी साढ़े वोटर गए। मगर देखे वोट बैंक आपका बढ़ रहा है और अब तो आगे इलेक्शन भी आने वाला है शायद, तो आप तैयार हैं? और आपने तयन कर लिया कि इस पर किसको वोट देना है? इस दफा कर लिया। पिछली दफा भी तो आपने कर ही लिया था ना? कर ही लिया था, लेकिन तब थोड़ा इन्फ्लुएंस था फैमिली का। अच्छा, इस दफा ऑब्वियसली आप काफी चेंजेस हो गए हैं। ओके, तो ऑब्वियसली उसको देख के आपने फाइनल कर लिया हुआ ना? जी जी, कि इस बार आपने देना है और आपने अपना माइंड ही बना लिया हुआ है। अब ये एक सरप्राइज होगा शेख साहब के वोट इस बार किसको पड़ता है, पिछली बार तो आप लोगों का था। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने माइंड बना लिया तो वो उसी पे कार बंद रहेंगे, वक्त के साथ बदलता रहता है। सर अब तो कम ही वक्त रह गया। किसने कहा? ऐसा मामला भी हो सकता है, इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। अबे अक्टूबर वाली बत्ती के पीछे लगाया हुआ है ना, तो ये तो नहीं को राइट कर देंगे लेफ्ट दिखा के। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले जरूरी जो है ना, इलेक्शन इज नॉट ए रेमेडी। आप मुल्क का सोचें यार, आपने कैसर की बात सुनी थी कि पिछले एक साल से क्या हो रहा है, पहले आप इसका तो सोचें यार, इसका तो सोचें, लोगों को कोई कुछ तो रिलीफ आ जाए। इलेक्शन से क्या रिलीफ आ जाएगी? एक चेहरा चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा चला जाएगा, तीसरा आ गया। सर वो जो एक न्यू गवर्नमेंट जिसको 5 साल हो उनके पास, उनके लिए टैकल करना ज्यादा, ये किसने कहा है कि उसके पास 5 साल होंगे? अच्छा, ये भी अब ये भी है, मतलब मैं तो तारीख तो यही बताती हूँ। आई एग्री विद यू कि तारीख ये नहीं बताती कि 5 साल हो रहे होते हैं। 85 में मैं इलेक्शन जीता था अल्लाह के फजल से, और वो एक तारीख है, वो भी एक तारीख है।